अस्सलाम वालेकुम बेलियो ते मित्रों प्यारे हो, मैं इस वक्त आया हाँ सलार वाले जड़ा वाले रोड से है पिंड नौ वाले फाटक तो अंदर क्रॉस करके रे ए वेख लो इधर पिंड की हालत। पुराना गंदा पानी जड़ा आ जड़ा सीवरेज का वह पैलियों लग रहा है। ए वेख लो यही जड़िया सब्जियां असं खाते हाँ सब्जियां के जो चीज़ा सारिया तो भाई बनदियाँ है। देख लो कि साफ तो फ्रैश पानी आ चश्मिया का पानी आ सारिया खेतों फसलों उ पानी लग रहा। अभी बड़े शौक के नाल कहते हैं जी पिंड दियाँ सब्जियां खाइए ताज़ा तो सीवरेज निकासी की वजह तो सारा पानी का निजाम पिंड जरा खूबसूरती चेक करो। है वेखो उ पानी है जरा सारिया सब्जियां लग रहा पिंड की सारी निकासी का पानी फसलों ला के फसलों जरा इन्हों की ग्रोथ चंगी हो जाती शायद इस वजह तो गंदा पानी ला देते हैं। पाकिस्तान से नहरी निजाम तो वैसे भी खत्म हो रहे हैं जो हालात आ बड़ी करना दाना बड़ा मोटा आ कमाद की फसल आ गई पिंड का कारपेट रोड आ गया जो सियासतदान ने बनाया ताजा इलेक्शन जितने बाद जिदा ने सदूकड़ी च वोट पे उदा ने सड़क बना दी रोंदे सरों लगी हुई है। दूर किसी पास ना डोगी दे बोलन की आवाज़ आँगी भौंकन की आवाज़ आन डी है हम तुम से अगले लैके जाते अगले व्डिया कमादा के आइयो साढ़े नाल बेलियो तो मित्रों सराल वाले पिंड दे विच बंदिया ने दरखत नूं घेरा पाया होया ताकि अंबा का दरख्त हैगा आ इनू अंदर रखा ता कि बेली को सज्जन को बच्चे छोटे व्डे बाबे इनू कि अंब ना तो तोड़ लैन। हाय अल्लाह अकबर कबीर अस क्या चलो वेले है विलोग आया कोई नहीं चलो पिंड का विलोग ही बना दिए। ऐ जी पानी फ्रैश ताज़ा ऐ ट्यूबवैल तुम दिखाते हैं ट्यूबवैल पता नहीं जिन्ना भूतों ने बिठाया है वो ट्यूबवैल तुम गहराई चेक करवाते हैं जो रात को साढ़े जिन बाबा जी वो आके चलाते हैं भूतनाथ साहब क्या सी लंबी नाली है आ गया जी पिंड का खूह। असीं पिंड मौत का खूह वेखण आउंदे हां मौत का मेला जिहनूं कहिंदे हुंदे आ अल्लाह आए इहदी गहराई तकरीबन होनी आ कोई 20 फुट दे करीब 10 तों 15 20 फुट ते खूह की मोटर लादा पंप पुंप के ला लू के लै गया हैगा आ सलार वाले पिंड आ किसी वक्त ट्यूबवैल का पानी इस छोटी होदी के आता से इतों गाह के खा लिया जाता से पानी तो हूँ खा लिया के सिर्फ सीवरेज का पानी आ रहा सलार वाले पिंड की स्पैशल सीवरेज पिंड सीवरेज की कोई परेशानी नहीं किसी भी किस्म की शहर चुना गटर बंद हो गए मसले मसाल बन गए लाइन खराब हो गई इतने लाइन चल दया रहा 24 घंटे चल दया रहा कनक दी फसल तैयार हो रही है छट्टे भी लगे हैं माशाल्लाह खैर के 2-2 फुट हो चुकी है तकरीबन 4 फुट उची होंगी है टोटल। अब जी असी जूम नहीं करना असी पैलियां दे विच ही वड़ जाना है
ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਛੱਟਾ ਲੱਗਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤੋੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਗਿਆ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਲੱਗੀ ਚੰਗੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਣੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 19 ਤਰੀਕ। ਚਲੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਜਾਂ ਮਈ 'ਚ ਜੀ ਕਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਟਰਾਲੀ ਆਉਂਦੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ 'ਤੇ, ਉਹ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਦੀ ਕਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜਾਲ। ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਲੁੱਕਮੈਨ ਵਲੋਗਸ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰੋ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਖੈਰ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਸਲਾਰ ਵਾਲਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ, 9 ਵਾਲੇ ਫਾਟਕ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਿਵਰੇਜ ਇਹੀ ਨਿਕਾਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਮਾਦ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਜਾ ਬੀਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਕਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਕੁਛ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਗੰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ 140 ਰੁਪਈਏ 150-200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਚੀਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਲੈਕ ਵਿੱਚ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਲੁੱਕਮੈਨ ਵਲੋਗਸ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।